ये है दिल्ली दर्पण, दिल्ली एनसीआर का नंबर वन वेब चैनल। दिल्ली के चांदनी चौक से एमपी और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के नाम यूं तो कई रिकॉर्ड हैं, लेकिन उनके सांसदीय क्षेत्र की वजीरपुर विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने एक ही दिन में एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। दरअसल डॉक्टर हर्षवर्धन ने किसी एक क्षेत्र में लगातार 12 घंटे लोगों से मिलकर और उनकी शिकायतें सुनकर ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है। शायद ही किसी सांसद ने अभी तक इतनी शिकायतें सुनी होंगी या इतने लंबे समय तक मीटिंग और दौरे किए होंगे। शुक्रवार को सुबह 6 बजे एक पार्क से शुरू हुए इस जनसंपर्क अभियान में डॉक्टर हर्षवर्धन हर इलाके, हर संस्थान और वजीरपुर के प्रमुख लोगों से मिले। इसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं से लेकर आम लोग, RWA और कारोबारी भी बड़ी संख्या में शामिल रहे। हर जगह उन्हें शिकायतों के अंबार मिले। इस बढ़ती उम्र और अपने तमाम व्यवस्थाओं के बावजूद डॉक्टर हर्षवर्धन जिस शांति और संयम के साथ लोगों की शिकायतें और सुझावों को सुन रहे थे, वो भी सहनशीलता का एक अच्छा उदाहरण है। दरअसल आपको बता दें कि डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि उन्हें समस्याएं सुनने में बेहद आनंद आता है। लोग जितनी ज्यादा समस्या बताते हैं, मुझे उसमें उतनी ज्यादा आनंद आता है, क्योंकि अगर लोग समस्या बताएं नहीं तो समस्या का समाधान क्या होगा, मुझे क्या उससे सेटिस्फेक्शन मिलेगा। मैं तो लोगों को प्रोवोक कर करके समस्याएं पूछता हूं, तो लोगों ने समस्याएं बताई हैं। हम लोगों को एक ही बात कहते हैं कि समस्या का समाधान हम कर देंगे, इसकी कोई गारंटी हम नहीं लेते, लेकिन हम आपकी समस्या के समाधान के लिए 100% ईमानदारी से प्रयास करेंगे और कंसिस्टेंटली करेंगे, ये हमारी गारंटी है। डॉक्टर हर्षवर्धन सुबह अशोका गार्डन में पहुंचे। अशोका गार्डन DDA के अधीन आता है। इस पार्क में DDA ने जिम भी लगवाया है, लेकिन एक साल तो ये जिम बेहद उपयोगी रहा, लेकिन अब रखरखाव की कमी के चलते ये खराब होता जा रहा है। पार्क में लोगों ने डॉक्टर हर्षवर्धन से इस ओपन जिम को ठीक कराने की गुजारिश तो की ही, साथ ही खुले में कूड़े जलाने की शिकायतें भी की। इधर ओपन जिम में जो मशीन्स लगी हुई हैं, इनकी AMC खत्म हो चुकी है, तो इसकी AMC रिन्यू होनी है और वो MP कोटे से ही होगी, क्योंकि DDA के अंडर आता है ये। तो हमारी रिक्वेस्ट है हर्षवर्धन जी से कि इसका रिन्यू करवा के मशीनें चालू करवाएं इसको। ये अशोक बैल का ही सबसे बड़ा पार्क है 3 किलोमीटर का। इसमें सिर्फ एक ही सेट मशीन का लगा हुआ है। इसकी रिक्वायरमेंट एक और की भी है, जिसमें सारा जोर इसी पे पड़ता है और ये जल्दी जल्दी खराब होती हैं। और तो 1-1.5 साल से तो ये लगा ले, हम लोगों ने खुद अपने से मेंटेनेंस भी करवाई है, कोई भी प्रशासन कोई भी नहीं आते थे ठीक करने के लिए। सवाल और शिकायतों को डॉक्टर हर्षवर्धन ने नजरअंदाज नहीं किया। सवाल चाहे आम लोगों के हो या मीडिया के, डॉक्टर हर्षवर्धन ने शिकायतों पर जल्द संज्ञान लेने का भरोसा दिया। देखिए, जो ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान DDA को करना है, MCD को करना है, वी विल टेक अप ऑल दोज प्रॉब्लम्स विद द रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए जनता को और जागरूक बनाना है, उसके लिए ऑलरेडी हम ग्रीन गुड डीड्स का मूवमेंट डेवलप कर रहे हैं देश के अंदर, और लोगों को भी उसके लिए प्रेरित कर रहे हैं कि कोई ना कोई एनवायरनमेंट के लिए जो पॉजिटिव काम है, अभी आपने कहा जलाने का काम है, अभी कूड़े को जलाने के लिए तो लोगों का ग्रीन गुड बिहेवियर डेवलप कराना पड़ेगा ना। शुक्रवार को हुए एक दौरे में डॉक्टर हर्षवर्धन हर इलाके और हर वर्ग के लोगों से मिले और उनसे संवाद किया। अशोक विहार के एक रेस्टोरेंट में बकायदा लंबी और मैराथन मीटिंग भी चली। अशोक विहार फेडरेशन और RWA व्यापार मंडल द्वारा आयोजित इस मीटिंग में BJP के सभी स्थानीय निगम पार्षद और नेता ही नहीं, बल्कि क्षेत्र के जागरूक और जिम्मेदार नागरिक भी पहुंचे और डॉक्टर हर्षवर्धन को अपने अपने संज्ञान सौंपे। फेडरेशन के प्रधान डॉक्टर HP गुप्ता, महामंत्री प्रमोद कोहली ने क्षेत्र की समस्याओं की तरफ डॉक्टर हर्षवर्धन का ध्यान आकर्षित किया, तो अशोक विहार व्यापार मंडल ने सीलिंग से निजात दिलाने की गुजारिश कर डाली। 3 महीने हो गए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि होगा क्या, क्योंकि सरकार का काम तो ये है ना कि रोजगार दे, अगर रोजगार नहीं दे सकती तो छीनने का भी अधिकार को नहीं। RWA वाले हाजिर के काम हो जाए तो ये जितनी सफाई और जितने कार्यों का विकास है ना सर, इसके अंदर एक तो कॉर्पोरेशन का काम हल्का हो जाएगा और साथ ही इसके अंदर जो है उनके पास होगी
तो कोई भी रेजिडेंट या प्रेजिडेंट फैक्ट्री ऐसे नहीं होंगे तो अपने घर का काम उनसे कराएंगे। वो कहते हैं कि अगर ऐसा कराएंगे तो उनको ब्लॉक ही निकाल के बाहर कर देगा। मैं जितने भी हमारे पार्षद हैं या पूर्व विधायक भी हैं, सुरेश जी, इतनी जागरूक टीम है हमारे पास इस समय कि इस सरपंच का अगर प्रचंड पंच का भी शायद कोई ना कोई समाधान करना पड़ेगा और शायद आप ही को। डॉक्टर हर्षवर्धन ने इलाके के लोगों की समस्याएं तो सुनी ही, साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप में चल रही केंद्रीय सरकार की योजनाओं के बारे में भी बताया। डॉक्टर हर्षवर्धन ने उज्ज्वला योजना का जिक्र किया और सक्षम लोगों से गैस सब्सिडी छोड़ने की अपील की। कि प्रधानमंत्री जी ने एक तरफ लोगों को कहा कि अगर अफोर्ड कर सकते हो तो सब्सिडी को त्याग दो, और उससे जो करोड़ों रुपया बचा उसका इस्तेमाल वो उन करोड़ों गरीब बहनों के लिए कर रहे हैं जिनको कि फ्री ये चूल्हा देकर गैस का, और उनको जो मौत का शिकार होती थी, बीमारी का शिकार होती थी, फेफड़ों को अपने जलाती थी, कैंसर के रोग से पीड़ित होती थी, कम से कम मैं समझता हूँ किसी प्रधानमंत्री ने आके उन बेचारी हमारी बहनों के लिए। डॉक्टर हर्षवर्धन के साथ उनकी टीम भी थी जो शिकायतों को रजिस्टर्ड कर रही थी। पूरे दिन भर की शिकायतों पर कितना ध्यान डॉक्टर हर्षवर्धन दे पाएंगे ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन इस उम्र और इस अंदाज में जिस सहनशीलता के साथ पूरे 12 घंटे लोगों के बीच रहना भी कोई आसान काम नहीं था। इलाके में डॉक्टर हर्षवर्धन के इस दौरे की जहां एक और चर्चा हो रही है तो वहीं लोग इसे एक रिकॉर्ड मान रहे हैं। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए कैमरामैन योगेंद्र कुमार के साथ प्रदीप कोहली और राजेंद्र स्वामी की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर